स्टूडेंट्स आर यू हाँ रेडी? कैन यू हियर मी? यस एम आई ऑडिबल स्टूडेंट? यस सर यस सर. यस व्हाट द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास? टाइटल बॉक्स. टाइटल बॉक्स. So, how to practice lettering? Do you know that one? Students, lettering, हम लोगों का lettering हो चुका था? नो नो सर. सर. ओके फाइन. Can you see this one, students? Yes, sir. Yes, sir. What is this, AB? What is AB? Line segment. Yes. Line segment. And? Ab bolo, bolo. Line Sir, segment. Line segment. Line segment. Anybody, anything else? अगर मैं बोलूंगा कि ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, इज दैट स्टेटमेंट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट? नो सर. मैं बोल रहा हूँ ए बी इज ए लाइन. Is this statement is true or false? False. False. Why? Because Ignoring line point. means to infinity. Line? Bolo, babu, bolo. What is the difference between line and line segment? So line means it goes up to infinity, and the line segment is bounded. मतलब. So the line segments have definite end points. Yes, a line segment has a start point and an end point. Okay. जो लाइन सेगमेंट होता है उसका एक स्टार्ट होता है, एंड होता है, दैट इज टू डेफिनेट पॉइंट होता है. और जो लाइन होता है दैट इज बोथ द पॉइंट्स एट इंफिनिटी. हम लोग इन जनरल, हम व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस वन, बिकॉज जनरली वी आर यूजिंग दिस लाइन एज ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन. एक्चुअली द राइट स्टेटमेंट इज ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. सो यू पीपल शुड नो वॉट इज रॉन्ग एंड वॉट इज राइट. दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग दिस वन. दिस इज वेरी हार्डली अ टॉपिक ऑफ very primary section of our mathematics or geometry. Okay, but you people sometimes ignore this one. That's why I am telling this one. But a line segment, a line has a very significant, well, we can use a line in case of engineering drawing. We are using line. By line we are expressing different of our expression. हम जो ड्राइंग करते हैं, अच्छा तुम लोग मेरे को एक बात बोलो, व्हाई वी शुड प्रैक्टिस ड्राइंग? हम लोग को ड्राइंग क्यों सीखना चाहिए? ड्राइंग नहीं सीखेंगे तो क्या हो जाएगा?
कोई जरूरत है? यू पीपल आर फ्रॉम आईटी ग्रुप है ना? So, do you think that you need a subject like this one, engineering drawing? Students, please reply. No idea, sir. No idea. Okay, fine. Very good. वही बोल दो कि हमको पता नहीं है कि हमको सीखना चाहिए या नहीं चाहिए. देखो मेरा, हम लोग जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं या तो कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो कुछ छोटे से छोटा मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना हो, बड़ा बिल्डिंग स्ट्रक्चर बिल्डिंग क्यों ना हो, मेगा स्ट्रक्चर क्यों ना हो, ये सारे जो चीज बनाया जाए, सो व्हाट एवर दैट यू हैव मेड, पहले जो है कोई भी ये एक जो पेन बनाया, तो ये पेन को बनाने के लिए एक मोल्ड पहले डिजाइन किया होगा, है ना? Yes, sir. कोई ऐसे तो नहीं है, कोई एक आदमी आया और ये एक पेन को ऐसा अपने हाथों हाथों से एक ठो पेन बना दिया, है ना? तो ये सारे जो चीज है, छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना हो और उससे छोटा एक पेन से लेके मेगा स्ट्रक्चर जो भी हम बनाते हैं, उसमें पहले हम क्या करते हैं, उसका एक ठो ड्रॉइंग और डिजाइन जो है उसका डेवलप कर लेते हैं. पहले वो देखने में कैसा होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, उसका पार्ट्स क्या क्या होगा, उसका ये सारे जो चीज है, ये छोटा छोटा जो चीज है ये मोल्ड से बना हुआ है, ठीक है? ये पेन का ये डिफरेंट पार्ट्स जो है मोल्ड से बना हुआ है. कुछ भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, चाहे वो पेंसिल क्यों ना हो, चाहे वो एक स्केल क्यों ना हो, ये सारे चीज का मोल्ड बना हुआ रहता है. उसके हिसाब से ये लोग कहीं, ये जो है प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन में बनता है, कोई अगर मेटल आइटम है तो उसको मशीनिंग प्रोसेस होता है, मेटलाइटिंग कास्टिंग भी होता है, ठीक है? आयरन आयरन को हम मेल्ट करके उसको एक पर्टिकुलर शेप देते हैं, दैट इज नोन एज द कास्टिंग. सो ये जो सारे चीज होते हैं, ये सारे चीज करने के लिए हम पहले जो है उसका एक ड्राइंग बनाते हैं और ड्राइंग के साथ उसका एक डायमेंशन भी देते हैं कि ये देखने में ऐसा होगा, इसका लेंथ ऐसा होगा, इसका विड्थ ऐसा होगा, इसका थिकनेस ऐसा होगा और इसका डायमेंशन जो है ये होगा, ठीक है ना? पर्टिकुलर ये. So, whatever we are producing, first we make a drawing. अब ये तो सही है, तो जो बनाएगा उसको मतलब, और ये एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू कि जो ड्रॉइंग बनाते हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, या तो जो ड्राइंग बनाता है जो या तो जो मैन्युफैक्चर करता है वो प्रोडक्ट को सेल नहीं करता है, ठीक है ना? कोई एक ड्राइंग बनाता है, कोई एक मैन्युफैक्चर करता है, कोई एक क्वालिटी चेक करता है, कोई उसको जो है मार्केट में सेल करता है, तो सबका अलग अलग मतलब अलग अलग जो है एक रोल रहता है. लेकिन हमने, मेरा दिमाग में कुछ आइडिया आया और वो चीज को बनाना, हम ड्राइंग अच्छा कर सकते हैं लेकिन हम अच्छा मशीन चला नहीं सकते हैं, हम अच्छा ऑपरेटर नहीं है, या तो हमसे मशीन चलाना नहीं होता है या तो उसका कास्टिंग नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है. तो हम जो सोच रहे हैं वो दूसरों को भी समझाना है, जो खास करके उसको समझाना है जो अच्छा मशीनिंग कर सकता है, या तो जो अच्छा कास्टिंग कर सकता है, या तो जो अच्छा मोल्ड बनाते हैं. हम ड्राइंग कर सकते हैं तो उसको भी समझना चाहिए. एक सेल्समैन को पता होना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट क्या है, वो मार्केट में जाएगा तो क्या लेके जाएगा, या तो उसका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो कैसे आ रहा है, वो देखने में कैसा है, उसका डिजाइन क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, ये डिजाइन पहले जो प्रोडक्ट था उसके हिसाब से ये नेक्स्ट जो उसका प्रोडक्ट आया वो क्यों बेटर है, उसका डिजाइन में क्या क्या है, तो ये सारे चीज जो है ये वो ड्राइंग के वजह से वो भी मतलब उसको अंडरस्टैंड कर, मतलब उसको भी वो समझ पाएंगे. तो ऐसे है. अब ये है कि मैं ड्राइंग करता हूँ, माय मदर टंग इज बंगाली, जो इसको मैन्युफैक्चर करने वाला है, मे बी हिज मादर टंग इज तमिल,
जो इसको सेल करने वाला है, प्रोडक्ट को सेल करना है, मे बी हिज मदर टंग इज समथिंग एल्स, मराठी और गुजराती और समथिंग एल्स, ठीक है। हम तीनों का जो है मदर टंग अलग अलग है, लेकिन हमने मैंने एक तो ड्राइंग मतलब मैंने एक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट दिया, दूसरे एक आदमी जो एक तमिल आदमी है उसको उसने उसको बना दिया, तो तीसरा जो मराठी आदमी है उसने उसको बिक दिया, लेकिन हमको तमिल नहीं आता है और तमिल आदमी को बांग्ला नहीं आता है, और उसका जो सेल्स पर्सन है उसको भी मराठी और हिंदी और या तो इंग्लिश छोड़ के और कोई नहीं आता है, तो इसका मतलब लेकिन हम लोग सारे चीज जो है सारे चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है और मार्केट में सेल भी कर रहा है और उसको ड्राइंग कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है, तो ये सारे चीज हम लोग कर रहे हैं विथ डिफरेंट ऑफ आवर लैंग्वेज। इट इज ओनली पॉसिबल बाय मोड ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग इज नथिंग बट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इजंट इट। हम जो ड्राइंग करते हैं तो उससे तुमको समझ में आएगा कि ये क्या मतलब व्हाट द प्रोडक्ट इट इज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। हम जो हिस्ट्री को डिपिक्ट करते हैं, हम जो हिस्ट्री को हम लोग जो रिगेन करते हैं, डू यू नो हम कैसे हिस्ट्री को मतलब जो जो पुराना जो मतलब जो हिस्ट्री में जो जो सारे घटना घटे हैं वो सारे मतलब क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ये लोग क्या हम लोग के लिए सारे चीज क्या लिख के रखे गए थे क्या, या लिख के भी गया होगा क्या, वो लोग बांग्ला में लिखा या हिंदी में लिखा, उर्दू में लिखा या तो इंग्लिश में लिखा, बंगाली आज से 700-800 साल पहले बंगाली हम जैसे बंगाली बोल रहे ऐसे नहीं था, या वो लोग लिख के भी गया होगा तो उसको रिगेन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट उन लोगों का लाइफ स्टाइल क्या था, क्या उसका मतलब सोचने का था, ये जो है सारी चीज हम लोगों को पता चलता है ऑल फ्रॉम द स्क्रैप, उसका जो है पेंटिंग जो है वो पेंटिंग और टू सम एक्सटेंट उसका जो स्क्रैप्चर है वहां से हम लोगों को, पेंटिंग से भी बहुत सारे कुछ हम लोगों को उस हिस्ट्री एंशियंट टाइम का हिस्ट्री हमको मिल जाता है बाय देयर पेंटिंग, दे हैव डिपिक्ट अ लॉट ऑफ स्टोरीज। हम जो पुराना मंदिर में जाते हैं या तो कोई स्क्लैप्चर जो है जिसमें जाते हैं विजिट करते हैं, वहां दीवार पे बहुत सारे चीज जो है वो खुदा हुआ रहता है, अगर तुम लोगों ने कोई हिस्टोरिकल प्लेस विजिट किया तो Isn't it? देखा है कहीं? स्टूडेंट तो ये सारे चीज जो है हम ये सारे चीज जो है हम फ्रॉम द एंशियंट टाइम दैट इज विद द हेल्प ऑफ ड्रॉइंग वी कैन कम्युनिकेट ईच अदर इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर मदर टंग, है ना। तो दैट्स वाई अगर तुम आईटी है अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट मिल गया तुमको कि यहाँ पर ये ऐसे ऐसे है ऐसे ऐसे, यू शुड एटलीस्ट रीड द ड्रॉइंग, तुमको ड्रॉइंग पढ़ना आना चाहिए, तो इसलिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांच वन शुड अंडरस्टैंड द ड्रॉइंग, तो इसलिए जो है हमको ड्रॉइंग देखना पड़ेगा, ड्रॉइंग करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको देख थोड़ा बहुत मतलब उसके बारे में बहुत हद तक हम आइडिया लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या है या तो हम क्या बनाने के लिए जा रहा है या तो हमको क्या करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अभी जो नया एजुकेशनल पॉलिसी आया है उसमें स्कूल लेवल में ड्राइंग को लाया जाएगा, डू यू नो दैट वन? 11-12 में ड्राइंग कंपलसरी हो जाएगा। तो ये जो है
So AB is a line segment, okay? Can you see CD? Yes, sir. Yes, sir. What is CD? Another line segment. Bolo, bolo. CD, what is CD? Can you see EF? Yes, sir. Can you see EF? Sir, F is not visible. F is not visible. Abhi? थोड़ा मैग्नीफाई कर लो अपना स्क्रीन को, हो सकता है कि सही आए. दिखाई दे रहा है बाबू? नो सर. यस सर, नो सर. तो दैट मीन्स सम नेटवर्क इश्यू. या तो जो ये सर बोल रहे हो सच में देख के बोल रहे हो या तो ऐसे ही बोल रहे हो? सर ए सी ई इज विजिबल बट अदर पॉइंट्स आर नॉट विजिबल. व्हिच वन? यस सर. ए बी सी डी ई एफ जी एच. अभी दिखाई दे रहा है? नो सर. ब्लर सर. यस सर, टोटली ब्लर. इज इट ओके नाउ? यस सर. यस सर. यस सर. इसका फोकसिंग थोड़ा डिस्टर्ब है. ये सही है अभी? यस सर. कैन यू सी ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच? व्हाट इज ए बी? So B is not visible. B is not visible. ये visible नहीं है. B. So it's visible. थोड़ा जोर से बोलो, आपको सुनाई नहीं दे रहा. Sir A B E G is visible. But other points B, D is not visible. A, C, E, G. All are visible, sir. So the camera is focusing on your hand. अगर दिखेगा तो सब कुछ सब कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं दिखेगा. सब दिखाई दे रहा है सर. Yes, sir. So all these are line segment. Are you agree? Yes, sir. But can you distinguish every line segment are different with respect to each other?
Okay. So AB is a continuous thick line. CD is a very faint line. EF is a chain line or dashed line. GH is the central line. Okay. So we will use this kind of line, that is AB, for to draw the boundary of an object or to draw the edge of an object. Kono ekta object er boundary line ba kono ekta object er edge erokom jokhon hobe tokhon amra ei continuous dark line ta use korbo. And CD we will use this kind of line to construct whenever we require to align any object. Okay, I have made one point over here. So I don't know whether both of these points is aligned or not. To show that one, I have to draw a very faint line like this. That means both of these line are aligned. That means both line are at same point, same line. Both are collinear. So this type of line is used as construction line. Line EF is a dash line or chain line. We have to use the, we will use this kind of line for the hidden line. This kind of line is known as the hidden. To draw, we will use this line whenever to show the hidden edge or the outer boundary of an object. The boundary which is not visible to us. Okay. And this is the axis line or long chain line. This type of line is used to represent the axis of an object. The ratio of this big line and small line is almost 5:6 or 5:1 or 6:1. It is 5:1 or 6:1. Beside this one, we will use, this is the curve line IJ. This is a brake line, short brake line, and different types of line we can use. Another line, this is also kind of axis line, but the end of this end line is little dark. This is known as the section line. This line is known as section line. So we will use different types of line to draw the object. Okay. Would you like to see the practical application of this line?
students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं अपना सिस्टम में कुछ ऑटोकैड ड्राइंग दिखाता हूँ तुम लोगों को, वहां से तुम लोगों को पता चलेगा कि पहले जो है ड्राइंग का प्रिंट आउट देख लो तुम लोग। Can you see the lines? This is a dotted line. This type of line is dotted line. The overview of the drawing is like this. This is a drawing of a pipeline. This pipeline goes under the railway track. This is the railway track. This type of line is the track line. And here you can see there are two, one is casing pipe, another is carrier pipe. There are two pipes, so that's why. So sir, one is dikh raha. नहीं दिख रहा सर, अभी नहीं दिख रहा है, हेजी है सर, नेटवर्क इशू है। अभी सबको क्या प्रॉब्लम, सबको कुछ नहीं दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर, ब्लर दिख रहा
स्टूडेंट्स सभी को दिखाई दे रहा है? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है। अभी हाँ सर इज इट ओके क्लियर नाउ? क्लियर सर क्लियर सर। बहुत दिक्कत है। अच्छा एक मिनट थोड़ा वेट करो, मैं मेरा सेटअप जो है ना दूसरा कमरे में आया, सेटअप थोड़ा उसका So this is the drawing of a pipeline. This is the dash line is the pipeline and this is the axis line. Midpoint is the axis line, okay? This is the track line. Dimension line is like this one. This is the dimension line. This is known as the leader. This is known as the leader. This is also track line. So all these are the use of different types of line segment. So is this clear now? Yes, sir. Boundary of a pipeline and the central line of a pipe. Both the pipe are concentric. So have you note the different types of line segment? Yes, sir. Different types of line segment that I have shown to you.
Is this visible now? Yes, sir. Yes, sir. Isko no, you have to draw all these line in the drawing sheet, and you at the here. You have to make a table like this. And you have to write the use of this line. यहाँ जो है तुम लोग इसका यूज लिखना, ये लाइन थोड़ा और बड़ा कर लेना, और यहाँ जो है व्हाट टाइप ऑफ लाइन इट इज एंड द यूज. Types of line. And use. So can you draw it in a drawing sheet? हो पाएगा तुम लोगों से स्टूडेंट्स? प्लीज रिप्लाई. यस सर. सो दैट यू यू नीड टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन. स्टैंडर्ड लेंथ से इट इज 60 और 70 मिलीमीटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन. नेक्स्ट वी विल प्रैक्टिस द लेटरिंग. क्या तुम लोग इसको नोट करना चाहोगे? तुम्हारे पास ड्राइंग बुक है, ड्राइंग का किताब है तुम लोगों के पास? नो. कोई आवाज नहीं देते हो तुम लोग? अरे कितना यहाँ से हम चिल्ला के. ड्राइंग बुक नहीं है सर. तो थोड़ा वो क्या करोगे, गूगल से देख लेना या तो यूट्यूब से देख लेना है तो अच्छा बात था, नहीं है तो क्या बोलेंगे वो लोग. और अच्छा तुम लोग लास्ट वीक हम दिखाए थे कि एक लाइन को कैसे, मतलब लाइन सेगमेंट को कैसे डिफरेंट इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर सकते हो, दिखा दिए थे हम? यस सर. यस सर. Now we have to practice lettering. So उसके लिए जो है we have to practice lettering at a ratio of 7:2 at a ratio कितना लोगे? At a ratio of say 7:5. At a ratio of 7:5. Okay, so the height of the letter, for height of the letter it is say 40 millimeters. To do that one, we have to draw a line, a horizontal line. Height of the letter is 40 millimeter with the help of scales. And by geometric means, you need to divide this line segment into 5 equal division. Sorry, this is a 7 equal division. Can you do it? Ho payega tum logo se?
how you can do it like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Like this. Next, you have to join this one like this, and with the help of set square, you have to draw the parallel. ये जो division है, you have to divide it with the help of compass or divider. Okay? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद सेट स्क्वायर का यूज जानते हो ना, कैसे सेट स्क्वायर यूज करते हैं हम लोग? यस सर. किसी को कोई डाउट है सेट स्क्वायर कैसे यूज करते हैं? हाँ सर, एक बार फिर से बता दीजिए. अच्छा, ये है, काम करते हैं. बॉटम, नाउ बॉटम वन इज फिक्स्ड. This is the setting of two set square. Now this one is fixed, and we will move this one. This one will be slide like this. Next, this one is slide like this. This one will be slide like this. This one will be slide like this. This is the alignment. Now I will move this one. Clear? Yes, sir.
Next, with the help of 45 degree set square, this is the set square of 45 degree. This is the set square of 60-30. This one is 60-30. And this is the set square of 45 degree. Okay. With the help of 45 degree set square, you can use And here it is like this. Okay, and so onwards. From this intersecting point, you can draw a perpendicular like this. So thus we need to make a graph, and this graph will be very faint line, though I have drawn it a little darker because otherwise it will hardly be visible to you. So 7:5, so here it is 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Up to this. Which alphabet I am going to write? The A. A.
So that can you write A like this? Is this okay to you? Yes sir. सो गया तुम लोग है ना? घर में पंखा चला के एसी चला के बैठे हुए है ना? नो सर। नहीं है, गर्मी है घर में? तुम लोग सारे घर में सही सलामत हो ना? यस सर। सावधानी से रहना, बहुत सावधान, ठीक है? हम लोग का आधा टीचर अवेलेबल है और आधा टीचर सारे बीमार है। एडी सर भी बीमार है। तुम लोग का मम्मी पापा सारे सही है ना? यस सर। तुम लोगों का ख्याल रखना, ठीक है? ओके सर। आधा टीचर हम लोगों का काम मतलब क्लास ले रहा है, आधा टीचर बीमार है। यहाँ ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कैन यू टेल मी व्हिच अल्फाबेट आई एम गोइंग टू राइट? N. Sir, B. N. N. B. Sir, D or D or B. B or D. Which alphabet? The O. 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 Q. है ना? G. Yes, sir. Fine. ये सारे हो सकता है। E also, sir. S. ठीक है, सा कुछ भी हो सकता था, बी भी हो सकता है। पहले जो जिस हिसाब से किया था वहां वो बी और डी का कार्ड था, उसके बाद ओ और क्यू का है, जी का था, अभी जो है ये एस हो गया, और भी कार्ड जोड़ दिया तो एस हो गया। तो समझ में आया कैसे लेटरिंग हम प्रैक्टिस कर सकते थे?
else we can write S or any alphabet that we can write. So thus, with this help of letter by this means, can you write your name on the drawing sheet? Yes, sir. कर सकता है ना? Yes, sir. So thus you have to write, practice different types of line and this lettering. In your drawing sheet. Next class we will discuss about the scale. Okay. Okay, sir. इस बैच में कौन है? प्रणय. प्रणय, लास्ट वीक तुमने हमको अटेंडेंस नहीं दिया. प्रणय है या छोड़ दिया? मतलब ग्रुप से लेफ्ट हो गया. तो लास्ट वीक कहा हमको अटेंडेंस तो नहीं दिया? ये ऐसे कैसे हो गए? सारे कैसे प्रेजेंट था? अच्छा एक मिनट वेट करो. ठीक है प्रणय, तुम थोड़ा आज के लिए अटेंडेंस लेके हमको इस नंबर में, लास्ट वीक और आज का दोनों का इस नंबर में थोड़ा व्हाट्सएप कर दो. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो हमको व्हाट्सएप कर दो आज का और लास्ट वीक का, दोनों का डेट अलग दे देना. ठीक है. Yes, Amy, 191. ऐसे मतलब कॉपी में लिखो और उसका फोटो उठा के हमको भेज दो, हम आप यहाँ पर सिस्टम में अपडेट कर देंगे. ठीक है, इस वीक का और लास्ट वीक का दोनों का. ठीक है, ओके. जो प्रेजेंट है उसका ही दे दो, एब्सेंट कर लेके हम क्या करें.
ठीक है ओके बा ऑल ऑफ यू कैन लीव नाउ. प्रणय हमको भेज देना इस नंबर में. हाँ अच्छा तो सबको मतलब प्रणय का किसी को जरूरत है तो तुम लोग उसको उसके साथ कोऑपरेट करो.